भारत माता के। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। टू का पूर्ण समर्थन किया जा रहा है, साथ ही आप अशरफ अली को पाकिस्तान तक संदेश पहुंचा दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पाकिस्तान तक भेजिए और अशरफ अली को बतलाइए कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ये भूखमंगा भिखारी पाकिस्तान तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए और बतलाइए ये भारत है। जी हाँ, पाकिस्तान का बाप होता है हिंदुस्तान। उस पाकिस्तानियों तक पहुंचाइए और बतलाइए, यदि तुम्हारा गलत मंसूबा रहेगा तो याद रखो, पहले की तरह फिर से एयर स्ट्राइक भी होगा और सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा। एक बार दिल से बोलिए, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय, जय, जय। इधर गदर टू रिलीज होते ही झारखंड के हजारीबाग में मचा हड़कंप। हिंदू हृदय सम्राट कुमार अमन ने इस तरह का समर्थन जताया, आप देख के दंग रह जाएंगे। भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान को लगातार रिलाई करने वाला मनीष कश्यप आज जेल की सलाखों में बंद है, लेकिन जैसे ही वो जेल की सलाखों से बाहर निकलेगा तो याद रखिए, ये भूखा नंगा पाकिस्तान का जम के रिलाई करेगा। एक बार जोर से बोलिए, हिंदुस्तान, यह मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप है जो लगातार ये भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजाते आया है, उसकी जम के रिलाई करते आया है। तो ये बताना चाह रहे हैं, आज मनीष भाई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर गदर टू का प्रमोशन किया जा रहा है, मतलब कि राष्ट्रभक्ति का प्रमोशन किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता के, भारत माता के। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं क्या? देखिए, हमारे भारत में लगातार पाकिस्तानियों का बराबर उसका मंसूबा खराब रहा है, आतंकी हमला वो बराबर करते आया है, चाहे 26/11 हो, ऐसा कई घटना हो जो कि बार बार अपना वो नापाक जो उसके इरादे हैं वो हिंदुस्तान को दिखलाते आया, चाहे पुलवामा अटैक हो, लेकिन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दुश्मनों के बिदात खट्टे किए जाते रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हजारीबाग जो झारखंड की धरती है, यहाँ से गदर टू का प्रमोशन हो रहा है, मतलब कि राष्ट्रभक्ति का प्रमोशन हो रहा है, ये बताया जा रहा है। यदि तुम हमारे भारत की तरफ आंख उठा के देखोगे तो तुम्हारे हलक से प्राण खींचने का काम हम लोग करेंगे, और हिंदुस्तान की तरफ तुम्हारी अगर निगाहें गलत रही तो याद रखना, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अगर तुम्हारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के अगर पेशाब भी कर देगा तो उसकी पेशाब की धारा से तुम बह जाओगे। तुम भूखे नंगे भिखमंगे पाकिस्तान, तुम्हें खाने को नहीं जुटता है, लेकिन तुम्हारे आतंकी मंसूबे इतने गंदे हैं, तुम्हारे इतने गंदे मंसूबे हैं कि तुम लगातार आतंकवादियों को पीछे के दरवाजे से
दरवाजा से हिंदुस्तान में भेज करके आतंकी हमला कराते हो, हमारे सेना पे सेना के पीठ पे वार कराते हो। यदि तुम्हें जंग लड़ना है, यदि तुम्हें दो हाथ करनी है, तो खुल करके बोलो, बतलाओ कि दो हाथ करनी है, तुम्हारी औकात हमारे सेना तुम्हें तुरंत बतला देंगे। आपके चल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या बोले? फिल्मों को ही माध्यम क्यों बनाया? फिल्मों को माध्यम, देखिए द केरला स्टोरी दिखाया गया, उसमें सच्चाई दिखाई गई, हम लोग को द कश्मीर फाइल दिखाया गया, बतलाया गया किस प्रकार से वहाँ मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, बोला गया कि तुम जितने भी कश्मीरी हिंदू हो कश्मीर छोड़ कर चले जाओ, हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, ये सच्चाई दिखलाई गई। ये फिल्म जो होता है, सही फिल्म जो होता है, वो समाज का आईना होता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा राजभक्ति इस पिक्चर में गदर वन में आप देखिएगा किस प्रकार से पाकिस्तान में जाकर के एक हिंदुस्तानी तारा सिंह पूरे पाकिस्तान को धला देता है। जब उसको बोला जाता है कि तुम्हारा बोलो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो तारा सिंह बोलता है कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये मैसेज दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, प्रेम कहीं भी हो जाए, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, तिरंगा का सम्मान सर्वोपरि है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस बार फिर से हर घर तिरंगा होना चाहिए, और जो भी तिरंगा का अपमान करता है या तिरंगा का भारत का गलत नारा लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, आप जहां भी हो उस पर तुरंत FIR कीजिए, तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए।